अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी उर्दू की क्लास है जमात अव्वल के लिए। आज आपका ये दूसरा लेक्चर है सबक नंबर एक का। पहले सबक जो हमने पढ़ा था वो थी हम्द। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 निकाल लें। यह है आपकी किताब का सफ़ा नंबर 49 और 50। इस पे आपने पढ़ा था हम्द। हम्द क्या है बेटा? हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। इस हम्द को एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके खास अल्फाज पढ़ते हैं। खुदा, पेड़, पौधे, परिंदे, तारे। अब इसकी पढ़ाई करते हैं। सबको बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ और पौधे, शाख और पत्ते, आम और केले, फल मीठे मीठे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। कौवे, कबूतर, रंगदार तोते, चील और चिड़िया, सारे परिंदे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। झील और दरिया, चांद और तारे, सहरा समंदर, मैदान टीले, सबको बनाया मेरे खुदा ने। इस हम्द के कुल 3 अशआर हैं। पहले शेर में शायर के कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह ताला जो है उसने तमाम जो फल हैं, पेड़ बोलते हैं दरख्त को, दरख्त, पौधे, शाख, पत्ते और ये जितने भी फल हैं ये सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। यानी इन फलों में जो मिठास है, उनके जो मुख्तलिफ जायके हैं, हर फल का एक मुख्तलिफ जायका है, तो वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। दूसरे शेर में शायर कहते हैं कौवे, कबूतर, रंगदार तोते, यानी देखिए परिंदों की कितनी मुख्तलिफ अकसाम हैं। कोई कौवे हैं, कबूतर हैं, तोते हैं, तो तोते कितने मुख्तलिफ रंगों के हैं, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई सब्ज़ रंग का है, कोई नीला है तो कोई पीला है। इसी तरह चील और चिड़िया, ये सारे परिंदे जो हमें नज़र आते हैं, जो आसमानों पर उड़ते हैं, इन सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, जो कि हम सब का मालिक है, हम सब का पैदा करने वाला है। इस आखिरी शेर में बात करें शायर के झील और दरिया। झील और दरिया यानी झील ऐसी जगह को बोलते हैं जो एक प्याले की नुमा की होती है, छोटा सा पानी का जखीरा झील कहलाता है, और दरिया बोलते हैं जिसके दोनों किनारे आप नाप सकें, यानी आपको नज़र आ जाए लेकिन वो गहरा होता है। ठीक है, ये भी पानी की किस्म है, पानी के जखायर हैं। चांद और तारे यानी रात की बात हो रही है, आसमान की बात हो रही है। फिर सहरा, समंदर, मैदान, टीले, मैदान यानी ज़मीन की जो साख्त है, कहीं पर पानी है, कहीं दरिया है, कहीं सहरा है, कहीं समंदर है, किसी जगह पे पहाड़ है, तो ये मुख्तलिफ ज़मीन को मुख्तलिफ तरह का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, जो हमारा मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है। ये है आपकी किताब की पढ़ाई की दोहराई। आज हम इसकी मश्क करेंगे। किताब का पेज नंबर 51 पे आ जाएं। सवाल नंबर 2 है, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। पहला आपके पास है हे, ये, वाव, अलिफ, नून, तो ये क्या बना? हैवान। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है आपके पास, ये तो पहले से हुआ हुआ है। पहला लफ्ज़ है आपके पास बे, नून, अलिफ। बे, नून और अलिफ बन ना, ये अलिफ या, तो क्या बनाया? बनाया, लफ्ज़ बनता है बनाया। दूसरा लफ्ज़ जो है वो आपके पास है काफ, बे, वाव, ते, रे, तो काफ, बे, कब। काफ और बे मिलके कैसे कौन सी आवाज़ निकालते हैं? कब। बे, वाव, बू, ते, रे, तर, तो क्या बना? कबूतर। अब इसको मिलाकर लिखते हैं। यहाँ पर आपने ऐसे यहाँ पर कबूतर लिख लेना है। तीसरा पढ़ते हैं, दाल, अलिफ, थे और छोटी ये। सॉरी बच्चों, ये दाल नहीं है, ये हे है। हे, अलिफ, थे और छोटी ये, तो हे अलिफ हा, थे और छोटी ये थी, ये क्या मिलकर बने? हा थी। अब इसको मिलाकर इस ब्लॉक में लिखना है। चौथे नंबर पे आपके पास है टे, छोटी ये, लाम और बड़ी ये। टे और छोटी ये क्या आवाज़ निकालते हैं? टी। लाम और बड़ी ये ले, तो इसको मिला के बनते हैं टी ले। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं टी ले, तो हमारे पास इसमें क्या क्या हर्फ बन गए? बनाया, कबूतर, हाथी, टीले। अब अगले सफ़े की तरफ आ जाएं, सफ़ा नंबर 52 पर। इसका सवाल नंबर है 3, एक लफ्ज़ लिख कर मिसरा मुकम्मल करें। सबको बनाया मेरे डैश ने, तो मेरे खुदा ने,
इसमें क्या लिखेंगे? खुदा। ऐसे आपने खुदा लिख लेना है। फिर है नंबर दो पे पेड़ और डैश शाख और पत्ते, पेड़ और पौधे, इस ब्लैंक में हमने लिखना है पौधे, ऐसे पौधे लिखे। अगला पढ़ते हैं चील और चिड़िया सारे डैश, इस ब्लैंक में क्या आएगा? सारे परिंदे, इसमें आएगा परिंदे, ऐसे आपने यहां पर परिंदे लिख लेना है। सवाल नंबर चार पढ़ते हैं मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पर करें। मुदस्सिर पिछले महीने काम करता डैश था है गा। जब पुराने जमाने की बात हो रही है पिछले महीने की, तो इसमें हम कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे? इधर हम लिखेंगे था। था गुजरे हुए जमाने के लिए इस्तेमाल होता है मौजूदा जमाने के लिए, और गा आने वाले वक्त की बात होती है। तो इसमें पिछले जमाने की बात हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे था। मुदस्सिर पिछले महीने काम करता था। अगला पढ़ते हैं हमजा अब भी काम करता डैश था है गा। इसमें आएगा है, क्योंकि काम करता है आएगा, है यानी मौजूदा जमाने की बात हो रही है। अगला हम पढ़ते हैं हसनैन आइंदा भी काम करे डैश, यानी अभी हसनैन ने काम नहीं किया ना वो कर रहा है, वो अभी करे गा, तो इसमें क्या आएगा? गा। था है गा, था है गा में से क्या लिखेंगे? गा। तो बच्चों इन तीन जुमलों में आपसे तीन जमानों के बारे में बताया गया है आपको। पहले जमाने, पहला जुमला है मुदस्सिर पिछले महीने काम करता था, यानी ये एक गुजरी हुई जमाने की बात है, पुरानी बात है। अगले जुमले में है हमजा अब भी काम करता है, यानी वो अभी भी मौजूदा जमाने में काम कर रहा है। ठीक है, तो काम करता है मतलब अभी भी है, तो ये मौजूदा जमाना है, इसके लिए हम है का इस्तेमाल करेंगे। अगला जुमला है हसनैन आइंदा भी काम करेगा, तो इसमें बात हो रही है आने वाले ज़माने की, यानी एक काम जो अभी नहीं हुआ उसकी बात की जा रही है कि वो अभी ये काम करेगा। ठीक है, इस सफ़े पर सवाल नंबर पाँच है जुमले बनाएं, ये आप कॉपी पे करेंगे, ये काम आपने अभी नहीं करना। पेज नंबर 53 पर आ जाएं। सवाल नंबर छः है दर्जेल अल्फाज की जमा लिखें। आपके पास पहला लफ्ज़ है केला, इसका जमा है केले। दूसरा लफ्ज़ है टीला, टीला की जमा है टीले, यहाँ मैं टीले लिख लेती हूँ। आपने भी अपनी किताब पर ऐसे ही राइट करना है टीले। तीसरा लफ्ज़ है पौधा, पौधे की जमा है पौधे। फिर है आपके पास पत्ता, पत्ता की जमा है पत्ते, यहाँ मैं लिखूँगी आपने भी ऐसे ही लिखना है। अगला है कौवा, कौवा की जमा है कौवे, यहाँ मैं कौवे लिखती हूँ। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं सबको। केला केले, टीला टीले, पौधा पौधे, पत्ता पत्ते, कौवा कौवे। बच्चों वाहिद एक जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं वाहिद। जमा क्या होती है? बहुत सारी चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा बोलते हैं। जैसे आसमान आसमानों, ठीक है, आपके हाथ में एक उंगली है और फिर बहुत सारी उंगलियां हैं, तो आपके हाथ में टोटल पांच उंगलियां हैं एक हाथ में, सही है। अब आपको बाहें जमा की भी समझ आ गई होगी। इस तमाम मश को आपने बहुत खुश खत तरीके से कॉपी पे करना है, किताब पे करना है सॉरी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।